कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स जो है वो क्यों होती है। चलिए मैं आपको इसको सीधे कराना शुरू कर रही हूँ कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है, आपको मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे निकलती है किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। अब मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, P2। P2 सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, इससे स्टार्ट कर रही हूँ कि आपने इसकी ग्राउंड स्टेट निकाली थी, क्या निकाली थी, निकाल के देखिए या देखिए कॉपी में। P2 की हमने निकाली थी, ग्राउंड स्टेट क्या है? 3P0 है 3P0 थ्री पी जीरो थी, 3P थी। ठीक है, तो अब जो है हम इसकी माइक्रो स्टेट्स कितनी कैलकुलेट की थी आपने इसकी? जीरो तीन है, कितनी? 15। 15 कितनी? 15 होती है इसकी माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, और पिछले बार मैंने आपको कुछ, मैं जल्दीबाजी में बताया था कि देखिए पी अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो या तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सकते हैं, या फिर ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या तो ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड हो सकते हैं, या पेयर्ड हो सकते हैं, या अनपेयर्ड हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं हम इनकी। अब जो है अगर आप इनको हम अरेंज करना चाहें, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इनको अरेंज करना चाहें इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो अगर ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों के स्पिन ऊपर हो, या दोनों के स्पिन नीचे हो, या एक के ऊपर हो दूसरे के नीचे हो, या फिर एक के नीचे हो दूसरे के ऊपर हो। ये चार प्रोबेबिलिटी होंगी अगर ये अनपेयर्ड होगा, और अगर पेयर्ड होगा तो एक ही प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसकी स्पिन कितनी होगी, पेयर्ड की स्पिन कितनी होगी, टोटल स्पिन जीरो जी जीरो होगी। और जो ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों के ऊपर स्पिन है, इनकी वन वन होगी, प्लस वन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लस वन होगी। और जिनके दोनों के नीचे उसकी क्या होगी, -1 माइनस वन। और एक ऊपर एक नीचे है, देखिए नीचे जो मैंने लिखा हुआ है जीरो ये होगी प्लस वन, ये माइनस वन, ये होगी जीरो, ये होगी जीरो। तो सबकी स्पिन अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये दिखाई दी। ठीक है, अब हम इनको मतलब एल की वैल्यू, एस की वैल्यू तो आपको पता चल चुकी है। अब अगर हम इनकी एल की वैल्यू देखें, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने किया। अब ये प्लस वन है, ये जीरो है, ये माइनस वन है। ठीक है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं जैसे मैंने आपको पिछले बार किया था। देखिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। अब मैं ये जो चार पॉसिबिलिटी है इनको मैं डॉट से दिखा रही हूं। देखिए या तो ये प्लस वन हो सकता है इसका स्पिन, या माइनस वन हो सकता है, या जीरो हो सकता है, या जीरो हो सकता है अगर दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां रख देती हूँ, एक को यहां रख देती हूँ, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, दो इलेक्ट्रॉनों की कितनी पॉसिबिलिटी। देखिए ये दो जगह हो लेकिन ये इस तरीके से हो, दो यहां हो सकते हैं, दोनों की स्पिन ऊपर, दोनों की नीचे, एक की ऊपर, एक की नीचे, एक की नीचे, एक की ऊपर, कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है उसकी, बहुत छोटे से चित्र में मैं बता दूंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मुझे पता नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी मैंने लिख के दिखाई आपको। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड है, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, चार चार पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इन चार पॉसिबिलिटी को डॉट से दिखा दूं तो इसका मतलब चार पॉसिबिलिटी है, दो डॉट का मतलब चार पॉसिबिलिटी है। दो इलेक्ट्रॉनों की ऊपर हो सकती है स्पिन, दूसरी जगह पर उनकी नीचे हो सकती है, ये चार पॉसिबिलिटी एक ही जगह दिखा दी हमने। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकते हैं, देखिए यहां पर भी चार पॉसिबिलिटी होती है, इस जगह पर हो सकती है इसकी, या तो दोनों के स्पिन ऊपर हो, या दोनों के नीचे हो, या एक के ऊपर एक के नीचे, या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये आपको क्लियर हो रही है बात? और इसी को अगर मैं टेबल को बड़ा बनाना चाहूं, मैं इसको बड़ा भी बना सकती हूँ। मैं ये दिखा सकती हूँ, ये दो ऊपर, ये दो नीचे, ये एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, फिर मैं इस तरीके से दिखाते जाऊं इसको, टेबल को बढ़ा के दिखा दूं, उसी को मैंने छोटा दिखा दिया है। ये बात समझ में आ रही है मेरी? ये देखिए ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये समझ में आ रही बात जो मैं कह रही हूं? अगर हम उसको अलग बिल्कुल से दिखाते हैं कि दो दो डॉट का मतलब ये चार है, ये क्लियर हो रहा है बच्चों? दो डॉट का मतलब चार है। ठीक है,
अब ये इतने छोटे फिगर में आ गया, देखिए अब आप देखिए कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक है, ये एक है, ये कितनी है, चार है, ये कितनी है, चार है, ये कितनी है, चार है, टोटल कितना हो गया, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई टोटल, 15 उसकी माइक्रो स्टेट्स होती है, यही हम कहना चाह रहे हैं। अब मैं ये आपसे कहना चाह रही हूं कि अगर मैं इस टेबल के बगल में क्या लिख दूं, एम एस एंड एम एल की वैल्यूज, तो इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके लिए एम एल की वैल्यू, एल की वैल्यू मतलब एम एल मतलब प्लस या माइनस आएगा, एल का मतलब प्लस माइनस नहीं आएगा। एम एल अगर मैं कहूं तो ये इसकी जो एल की वैल्यू है वो कितनी आएगी, इसकी L कितनी होगी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही जगह पर होंगे मान लीजिए, तो इसकी L कितनी होगी। अब इसमें हुंड वुंड रूल मत सोचिएगा, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अब आप ये बताइए कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए L, L की वैल्यू कितनी है, प्लस टू, प्लस टू है, L, L कितनी है इसके लिए, प्लस टू, टू है ना, टू है, और अगर L टू है तो इसको हम प्लस टू कह सकते हैं क्योंकि ये प्लस वन और प्लस वन वाले में, तो एम एल की वैल्यू तो प्लस टू कहेंगे हम, L की वैल्यू होती तो 2 होती, ML की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2 होगी। इसकी कितनी है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके लिए कितना है, 0, 0, इसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए कितना है, माइनस टू। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनके लिए कितना है, चाहे इसकी चार कंडीशन में एक सही रहेगा, एक ही जगह पर है ना ये दोनों, इसके लिए कितना है L, ML, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके लिए L की वैल्यू, ML की वैल्यू कितनी होगी, प्लस वन होगी ना, एक वन में है और एक जीरो में है, एक प्लस वन में एक जीरो में, ये कितनी होगी इन दोनों के लिए, माइनस वन होगी और इन दोनों के लिए कितनी होगी, जीरो होगी। तो आप हर एक के लिए आप देखिए ML की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जीरो, ठीक है। अब हम S की वैल्यू देखते हैं, इसके लिए S कितनी होगी, इसके लिए S जीरो होगी, यानी MS जीरो है, माइनस, इसके लिए S कितनी है, जीरो है, इसके लिए S कितनी है, जीरो, 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 इनके लिए S कितनी है, इनके लिए S कितनी है, MS कितनी पॉसिबल है, देखिए यहाँ लिखी है हमने कितनी, चार कॉम्बिनेशन है, चार के लिए क्या क्या पॉसिबल है, प्लस वन हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो, तो ये चारों लिख दे रही हूँ मैं, प्लस वन हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, देखिए चार पॉसिबिलिटी लिखी हमने, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनके लिए भी चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लस वन हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, माइनस वन हो सकती है, और ये जो है पॉसिबिलिटी इसके लिए भी चार पॉसिबिलिटी है, प्लस वन, जीरो, जीरो, माइनस वन, है ये पॉसिबिलिटी, Yes, ma'am. अब टोटल देखिए, अगेन आप कॉम्बिनेशन काउंट करते जाइए, बार बार आपको उतना ही मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे, देखिए ये देखिए, अब कॉम्बिनेशन आप काउंट करिए, देखिए MS की वैल्यू जीरो है, ML की वैल्यू प्लस टू है, MS की वैल्यू जीरो, ML की वैल्यू जीरो, जीरो, माइनस टू, अब यहां पर देखिए प्लस वन हो सकता है, जीरो प्लस वन हो सकता है, जीरो प्लस वन हो सकता है, माइनस वन प्लस वन हो सकता है, प्लस वन माइनस वन, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, माइनस वन हो सकता है, और यहां पर देखिए प्लस वन, जीरो, 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 माइनस वन, जीरो हो सकता है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए, देखिए फिर से यहां पर चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, प्लस वन जीरो हो सकता है, जीरो जीरो हो सकता है, जीरो जीरो हो सकता है, माइनस वन जीरो, ये एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आपको पता नहीं कितना समझ में आ पा रही है बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में ये देखिए, ये अगर आप चार कॉम्बिनेशंस देखेंगे, ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करूं, ये प्लस वन है, ये जीरो है, ठीक है, अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज कर दूं, अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज कर दूं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे अरेंज कर दूं, फिर मैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे अरेंज कर दूं, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे अरेंज कर दूं और इनको ऐसे अरेंज कर दूं, ये मैंने वो कॉम्बिनेशन दिखा दिए जो प्लस वन और जीरो में और जीरो और माइनस वन में। अब देखिए यहां पर एस की वैल्यू देखिए क्या है, प्लस वन होगी, ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी होगी, एम एल की वैल्यू कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे तो इनकी अगर मैं देखूं तो इनकी एस की वैल्यू कितनी आएगी, एम एस की वैल्यू क्या है इसकी, प्लस वन है, ये देखिए प्लस वन है, और इसकी एम एल की वैल्यू क्या है, प्लस वन,
प्लस वन है, इसके नीचे के कॉम्बिनेशन में आई है, इसकी इसकी एमएल वैल्यू कितनी है? माइनस वन नहीं, एमएल प्लस वन, एमएल तो प्लस, एमएल तो प्लस वन ही रहेगी, लेकिन एमएस कितनी हो जाएगी? जीरो। एमएस देखिए दोनों नीचे हैं, दोनों किस पे नीचे है, माइनस वन लिखा है हम। हाँ, इसकी देखिए अब ये इन इन कॉम्बिनेशन की देखिए, इनकी एमएस कितनी होगी? जीरो 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 होगी, टिक कर दिया मैंने। और इनकी एमएल कितनी होगी? वन होगी, प्लस वन ही होगी। और ये नीचे वाले की एमएस कितनी होगी? जीरो और वन। अब आप देख रहे हैं चार कॉम्बिनेशन मिल गए, चार कॉम्बिनेशन है जो मैंने बहुत शॉर्ट में दिखाए थे, चार कॉम्बिनेशन मिल गए ना ये हमें, प्लस वन प्लस वन, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, माइनस वन। ये आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे हम एक्सेल टेबल में एक सेल का एड्रेस कहते हैं ना, इसका एड्रेस, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? प्लस वन में है ये। अभी आप और आगे बढ़ेंगे, अभी हम आगे देखेंगे सेल एड्रेस। तो अब आप इसको देखिए, देखिए इनके केस में एम एस कितनी है? पहले वाले की एम एस मतलब एम एल ए माइनस वन है, और एम एस कितनी है पहले वाले की? प्लस वन है। इसकी देखिए माइनस वन है एमएस, और माइनस वन जो है वो एमएल तो वही रहेगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन हम, मैंने आपसे कहा था कि जो एमएस और एमएल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्टेट्स। तो ये कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं टोटल? 15 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, इसलिए इसकी जो माइक्रो स्टेट्स है वो कितनी होंगी? 15 होंगी। इतना क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ू। ये तो बहुत छोटी सी टेबल है बच्चों, ये तो बिल्कुल पी की, देखिए बहुत हम बहुत स्मॉल जगह से बात कर रहे हैं। अगर हम मैं D5 की बात करूं तो वो तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये इतना समझ में आ गया आपके? किसी का भी, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे छोटा कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, वैसे मैं P1 भी बता सकती थी, लेकिन उसमें ज्यादा स्टेट नहीं आएंगी इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं इसके बारे में, टेबल और क्रिएट करते हैं। उस टेबल से आप देखेंगे कि एक P2 कॉन्फ़िगरेशन कैसे एक डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट होता है। अब यहां से मैं एक टेबल और बनाने वाली हूँ। टेबल क्या होगी? अब आप यहां पर देखिए एल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है, एमएल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है? प्लस टू। हाँ, प्लस टू गई है, यानी प्लस टू से देखिए माइनस वन तक गई है। प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू गई है, प्लस टू से माइनस टू तक गई है, ठीक है। और अगर एमएस को देखें तो मैक्सिमम कितनी है? प्लस वन। और मिनिमम कितनी है? माइनस वन। माइनस वन। तो एमएस की कितनी वैल्यूज है? थ्री है जो टोटल है, यानी प्लस वन है, जीरो है और माइनस वन है। और अगर मैं ML की वैल्यूज देखूं तो वो कितनी है? पांच है, प्लस टू से माइनस टू तक, ठीक है। तो जब मुझे पता लग गया कि MS जो है वो तीन वैल्यूज आ रही हैं और ML की पांच वैल्यूज आ रही है, तो मैं एक टेबल बनाऊंगी जो मैं 5/3 की बनाऊंगी। मैं 5/3 की एक नई टेबल बनाने वाली हूं, मैं 5/3 की एक नई टेबल बना रही हूं, और ये वो टेबल है, बहुत शॉर्ट में टेबल है, देखिए 5/3। एक साइड तो मैं लिखूंगी क्योंकि एक वैल्यू तो है प्लस, सॉरी 5/3 बना रहे, ये आप समझ गए मैं हम क्या बना रहे हैं, 5/3 की एक टेबल बना रहे हैं। ये बनाई हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये देखिए बना दी। अब मैंने यहां पर लिखना है ये 5/2/3 का मतलब क्या है, यहां तो है प्लस टू, यहां है प्लस वन, यहां है जीरो, माइनस वन, माइनस टू। मुझे पता है कि एमएल की वैल्यू प्लस टू से माइनस टू तक गई है, और मुझे पता है कि एमएस की वैल्यू प्लस वन से माइनस वन तक गई है। देखिए मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है, एक टेबल मैंने बना दी। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि यहां ऐसे कॉम्बिनेशन कितने हैं। देखिए इस, ये जो सेल है ना, पहला सेल, इसका एड्रेस क्या होगा, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? अगर आप एक्सेल सीट के हिसाब से सोचे तो इसका एड्रेस क्या है? प्लस वन प्लस, है ना, प्लस टू प्लस वन, इसका एड्रेस है प्लस वन प्लस वन, इसका है जीरो प्लस वन है, ये आपको पता है। ये है एमएल वैल्यूज यहां पर, और ये है एमएस वैल्यूज, ठीक है। अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं, यहां यहां जो हमने लिखे हैं वहां हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं, जहां पहले सेल को देखिए आप, जहां पर एमएल की वैल्यू तो प्लस टू हो और एमएस की वैल्यू क्या हो? प्लस वन हो। ऐसी कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहां पर? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि एमएल तो प्लस टू हो, यहीं पर है प्लस टू, एमएस वहां पर कितनी है? जीरो है। क्या वहां पर एमएस प्लस वन है? नहीं है।
तो कोई भी तो मैं डैश कर देती हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसमें कि एम एल प्लस टू हो और एम एस कितना हो प्लस वन, ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। अब यहां पर आ जाइए प्लस वन क्या कोई ऐसी वैल्यू है यहाँ जहां पर एम एल प्लस वन हो और एम एस भी प्लस वन हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है? यस मैम। कितने कितने हैं? एक है, एक है, तो मैं यहां पर एक लिख देती हूँ, ठीक है, एक, या मैं यहां पर ये भी लिख सकती थी प्लस वन एक है, मतलब जीरो, जीरो और प्लस वन के कोई कॉम्बिनेशन है जहां पर एम एल तो जीरो हो और एम एस की वैल्यू प्लस वन हो? यस मैम एक है। कितने है? यस मैम कितने कॉम्बिनेशन है? एक है, एक है। बस ये टेबल बहुत अच्छी है, अगर मैंने इतना आधा भर दिया ना तो मैं आधा भर लूंगी। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही भर दूं आधे को, ये देखिए ऐसा एक कॉम्बिनेशन होगा जहां पर माइनस वन और प्लस वन होगा, बिल्कुल आधा, बिल्कुल मैं वैसा ही भर दूंगी जैसा मैंने आधा भर दिया है, ठीक है। अब यहां पर आइए, क्या प्लस टू और जीरो का कोई कॉम्बिनेशन है? कितने कितने हैं? एक है, एक 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 है। क्या प्लस वन और जीरो का कोई कॉम्बिनेशन है? कितने कितने है? एक है। देखिए प्लस वन जीरो दो है ना, दो है, दो दो। अब बताइए जीरो जीरो के कोई कॉम्बिनेशन है? देखिए एक दो और तीन, कितने हैं? थ्री। अब पूरी टेबल वैसे ही, बाकी बची हुई टेबल भी वैसे ही भर देते हैं जैसी पहले भरी थी हमने। मैम थ्री कैसा है एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, एक और दो ही है ना, बाकी वैसे ही भर देंगे, आप गिनेंगे तो उतने ही आएंगे। अब जो इसका हाफ है ना वो भी वैसा ही भर दीजिए जैसे ऊपर भरा है, कुछ गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको करेंगे जैसा ऊपर का हाफ है ना उसी को भर देते हैं नीचे, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन, अगर आप गिनते भी रहेंगे तो भी वही आना है। तो मैं इसमें क्या भरूं? डैश वन 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 डैश, आधा गिनना है आधा नहीं गिनना है, आधा बिल्कुल वैसा ही होगा, अगर हम काउंट भी करेंगे तो उतना ही आएगा। इतना क्लियर हो गया आपको? हमने यहां से एक नई टेबल बनाई है और उसको क्या कर दिया है यहाँ पर काउंट करके रखे। आप इनकी काउंटिंग एक बार कर लीजिए, ये देखिए कितना है, वन आया, इसको अगर हम इसको जोड़ूंगी तो इसको जोड़ूंगी मैं तो कितना आएगा पहला वाला, ये देखिए वन है, ये एक ही तो है ये कॉम्बिनेशन ना, यहाँ कितने कॉम्बिनेशन है देखिए, चार, यहाँ कितने पांच, यहाँ है चार, यहाँ एक। अब इन सबको गिन दीजिए कितने हैं टोटल कॉम्बिनेशन, ये भी बराबर आने चाहिए, चार एक पांच, पांच दस, चार चौदह और एक पंद्रह, कितने आ गए? पंद्रह कॉम्बिनेशन आ गए, पंद्रह ही माइक्रो स्टेट होती है, इसका मतलब मेरी टेबल ठीक बनी है, ये वाली जो टेबल मेरी बनी है ना ये एकदम ठीक बनी है। ये समझ में आ गई आपकी? मैं क्रॉस चेक करना है हर जगह से हमें कि टोटल पंद्रह आने चाहिए, क्योंकि ये पंद्रह थे ना तो ये भी पंद्रह आएंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ये अगर आपके ये पंद्रह नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं पर गड़बड़ी करी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं इस टेबल को रिड्यूस करते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ जो मैंने यहाँ लिखा था, अब हम इस टेबल को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस हम देखिए कैसे करेंगे और हमारी स्टेट निकलती जाएंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जिन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स, एक कॉन्फ़िगरेशन था पी टू, उसके अंदर क्या हुआ बच्चों? एक कॉन्फ़िगरेशन था पी टू, उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, उसमें क्या हो गया? उसके अंदर हुआ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, ये एटम चल रहा है, हाँ ये जो मैं बात कर रही हूँ सारा एटम है, यहाँ पर अभी कहीं पर मॉलिक्यूल की बात नहीं करी है मैंने, एटम है, एटम या आयन, फ्री आयन। तो इसके अंदर क्या हुआ? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुई, इसके अंदर क्या हुआ? स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हुई, और उसी के चलते आप देखेंगे कि ये कुछ स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें आप ये बताइए कि अब आप ये देखिए ना कि ये जो कॉलम है यहां पर जो लास्ट कॉलम है ना यहां पर कोई नंबर नहीं है, आप वो जगह ढूंढिए जहां पर नंबर है, जहां से नंबर स्टार्ट है सबसे पहली रो देखनी है जिससे नंबर स्टार्ट है, कहां से नंबर स्टार्ट है इसमें जो पहले, ये देखिए प्लस वन से स्टार्ट है ना, प्लस वन से स्टार्ट है नंबर ना, तो अब ये इस वाले का मैं एड्रेस देख लूं, ये जो नंबर है इस नंबर की एम एल वैल्यू कितनी थी, एम एल कितनी थी इसकी? प्लस वन मतलब एल की वैल्यू वन थी, तभी तो प्लस वन आया एम एल, तभी तो प्लस वन आएगा, जब एल की वैल्यू कितनी होगी वन होगी तभी तो उसकी तीन वैल्यू पॉसिबल होंगी, प्लस वन जीरो माइनस वन। ठीक है, और इसकी एस की वैल्यू कितनी है, एमएस की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए कितनी थी, प्लस वन, मतलब एस की वैल्यू कितनी है, वन है। भाई देखिए जब एस की वैल्यू वन होगी ना तो एमएस की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, प्लस वन जीरो माइनस वन, और अगर एल की वैल्यू वन है तो एमएल की वैल्यू क्या पॉसिबल है, प्लस वन जीरो माइनस वन। ठीक है पॉसिबल, तो हमने ये देखा कि यहां पर एल की वैल्यू कितनी है और एस की वैल्यू कितनी है।
तो हमें एक स्टेट मिल जाएगी सीधे सीधे। देखिए एल की वैल्यू वन, तो ये क्या स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, पी 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 है ना। एस की वैल्यू वन है तो कितनी मल्टीप्लिसिटी है, थ्री। ये स्टेट क्या है, देखिए थ्री पी। एक स्टेट हमने निकाल ली कि अगर P2 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक तो स्टेट 3P होगी होगी, इसमें 3P होगी। 3P इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 9 माइक्रो स्टेट, 9 माइक्रो स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे है, देखिए L की वैल्यू 1 होगी तो ML की वैल्यू प्लस 1 0 माइनस 1 होगी, और S की वैल्यू 1 होगी तो MS की वैल्यू प्लस 1 0 माइनस 1 होगी। अब कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, देखिए प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 माइनस 1, जीरो प्लस वन जीरो 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 माइनस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस। मतलब अगर एस की वैल्यू तीन है और एल की वैल्यू तीन है तो तीन तीन नौ, नौ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसकी वजह से। और वो नौ कॉम्बिनेशन कौन से है, देखिए वो नौ कॉम्बिनेशन कौन से है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आप देखिए इस सेल की वैल्यू क्या है, प्लस वन प्लस वन जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस वन, प्लस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो, प्लस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो। ये नौ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेंगे, तो इसका मतलब ये इसकी वजह से नाइन माइक्रो स्टेट थी, उन नाइन माइक्रो स्टेट को हम यहां से माइनस कर देंगे, वो जो नाइन माइक्रो स्टेट है उनको हम यहां से माइनस कर देंगे तो हमें एक नई टेबल मिलेगी। देखिए ये वन गायब हो जाएगा क्योंकि एक कॉम्बिनेशन हमने यहां ले लिया है, ये प्लस वन कॉम्बिनेशन हम यहां ले चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन हम यहां से ले चुके हैं जीरो प्लस वन का यहां ले चुके हैं, एक माइनस वन और प्लस वन का कॉम्बिनेशन ले चुके हैं, तो यहां से हम नौ कॉम्बिनेशन माइनस करेंगे, जो कॉम्बिनेशन बचेंगे उसके बाद वो टेबल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इतना क्लियर है, पहले ये बताइए आपको मैंने ये कहा कि यहां जहां से नंबर शुरू है पहली रो में उसको देखना है कि उसकी एल वैल्यू कितनी है, उसकी एस वैल्यू कितनी है, उसकी एल वैल्यू वन है उसकी एस वैल्यू वन है, तो एल की वैल्यू तीन पॉसिबल है प्लस वन से माइनस वन तक, और एस की वैल्यू भी तीन पॉसिबल है प्लस वन से माइनस वन तक। टोटल कॉम्बिनेशन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो नाइन है, वो नाइन कौन से हैं, इस सेल के अगर आप एड्रेस देखेंगे तो इन सेल के जो कॉम्बिनेशन है वो नौ, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास एक नई टेबल आ जाएगी, वो टेबल क्या होगी अभी आपके समझ में आ जाएगा। वो टेबल ये देखिए, इतनी सी टेबल आ गई है मेरे पास, ये रिड्यूस हो गई, और ये है प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, और ये आ गया जीरो। देखिए जो वन वाली रो है इसमें सबका खत्म हो जाएगा क्योंकि वन 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 माइनस करना है हमने, ये जो लाइन है ये भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें वन वन माइनस करना है हमें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हम इसमें काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो रो है बीच वाली इसमें से एक एक माइनस कर देना है, तो जब मैं एक एक माइनस करूंगी तो देखिए यहां पर डैश हो जाएगा, यहां पर वन हो जाएगा, यहां पर टू हो जाएगा, यहां पर वन हो जाएगा, यहां पर डैश हो जाएगा, बस ये टेबल रिड्यूस होकर इतनी रह जाएगी। इतना समझ में आ रहा है आपको कैसे हम माइक्रो स्टेट के थ्रू डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की, उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है रिड्यूस करके, और रिड्यूस करने के बाद जो टेबल मिली है हमें वो उसको हमने फर्दर रिड्यूस करना है। अभी आपके दूसरी बार में और समझ में आएगा, इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसमें से वन वन सॉरी यहां पर डैश नहीं आएगा, यहां पर डैश नहीं आएगा क्योंकि यहां पर से हमने वैल्यू गायब नहीं करी थी, हमने जो वैल्यू हटाई थी वो प्लस वन से हटाई थी, देखिए हमने जो वैल्यू हटाई थी वो इतने एरिए से हटाई थी, तो यहां पर प्लस वन रहेगा। अभी अभी मैं दूसरा माइनस करूंगी तो शायद अब सब चुप हो गए, बता कोई नहीं रहा है कि क्या हुआ। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर नंबर कहां तक गया है, इस ये जो जो प्लस टू तक गया, यानी एल की वैल्यू कितनी है, टू है, एल की वैल्यू कितनी है यानी टू होगी, तभी तो एमएल की वैल्यू प्लस टू से माइनस टू होगी। Yes, ma'am. और S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू कितनी है, है जीरो। S की वैल्यू देखिए जीरो ही तो है, और तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, और तो कोई नंबर है ही नहीं, S की वैल्यू जीरो है। अब जब ML की वैल्यू क्या होंगी, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, इसकी पांच वैल्यू पॉसिबल है, इसकी एक वैल्यू पॉसिबल है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, फाइव होंगे, प्लस टू जीरो प्लस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो। ये देखिए इस लाइन में से मैं एक एक घटा दूं, अगर देखिए प्लस टू जीरो प्लस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो, तो मैं इसमें से एक एक अगर घटा दूं तो फिर फर्दर ये टेबल रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस हो गए मुझे इतनी सी टेबल मिलेगी, देखिए ये आ गया, ये इतनी तो टेबल मिलेगी, बाकी पांच तो माइनस हो जाएंगे। और इसका मतलब ये अगर स्टेट आप काउंट करेंगे तो ये स्टेट कौन सी रही होगी, देखिए एल की वैल्यू टू है,
तो कौन सी स्टेट है? डी है. कितनी डी है? एस की वैल्यू जीरो है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? वन आएगी. तो ये वन डी है. सो वन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइव माइक्रो स्टेट्स. ये फाइव माइक्रो स्टेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अब ये देखिए बचा हुआ, इसमें एल कितना है? इसमें एल कितना है? जीरो. जीरो. एस कितना है? जीरो. जीरो है. तो स्टेट कौन सी है? इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं. एस. कितनी एस है? वन एस है. एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. देखिए जीरो जीरो, तो ये एक माइक्रो स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अगर आप टोटल माइक्रो स्टेट देखेंगे, नौ पांच चौदह एक पंद्रह, तो एक थ्री पी स्टेट ऐसी है जो कि नौ माइक्रो स्टेट को जनरेट करती है. वन डी ऐसी है जो फाइव माइक्रो स्टेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी. और वन एस ऐसी है जो वन माइक्रो स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी. तो अगर आप देखेंगे टोटल मिला के, अगर पी टू कन्फिग्रेशन को देखें तो तीन ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, तीन स्टेट में ये स्प्लिट होता है, वन एस, वन डी एंड थ्री पी. हमने केवल ये निकालना सीखा था, आपने देखा था, हमने केवल ये कैलकुलेट करना सीखा था. रसल सांड्रेस कपलिंग से ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन क्या एक कॉन्फ़िगरेशन केवल ग्राउंड स्टेट में स्प्लिट होता है? नहीं, एक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी स्टेट्स में स्प्लिट होता है. और वो स्टेट जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ती जाएंगी. अब आप देखिए कि ये तीन स्टेट इसमें है. अब हुंड का रूल अप्लाई करना है. अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, भाई ये तीन स्टेट है, इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, सीधे सीधे ग्राउंड स्टेट टर्म इज 3p बिकॉज द टर्म विद हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी टर्म इज द ग्राउंड स्टेट टर्म अकॉर्डिंग टू हुंड रूल. तो अगर आपको ये आता है तो आप सीधे सीधे कहिए जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है वही ग्राउंड स्टेट टर्म होगी. ये आपके कैलकुलेट करना आता नहीं है, बट ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूं क्योंकि आपको ये पता रहे. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूं, आपके उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं नेट में या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये स्टेट दे दी. आप कहेंगे स्टेट्स आई कहां से, कैसी स्टेट्स है? उन स्टेट में पूछेंगे भैया इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म बताओ. तो आपको क्या देखना है, हुंड रूल अप्लाई करना है. जिस भी स्टेट की जो मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म. इतना क्लियर है? अब आप देखिए इसको मैं कैसे कर सकती हूँ. देखिए और भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको स्टेट इसमें और बता सकती हूँ. देखिए वन डी, वन डी ये डी में कितने कितनी इसकी कितनी डीजेनरेसी होती है? जो जैसे डी ऑर्बिटल है ना, उसकी कितनी डीजेनरेसी होती है, कितने ऑर्बिटल होता है उसमें? फाइव होते हैं. ऐसे कैपिटल डी की डीजेनरेसी भी कितनी होती है? पांच होती है. जैसे स्मॉल डी की होती है ऐसी कैपिटल डी की भी होती है. तो अगर मैं इस पांच को इस एक से गुणा करूं ना तो कितना आएगा? पांच आएगा. एस की डिजेनरेसी कितनी होती है? वन. अगर मैं इसको वन से गुणा करूं तो वन आएगा. पी की डिजेनरेसी कितनी होती है? थ्री. अगर इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? नाइन आएगा. तो ये कितनी आ गई टोटल माइक्रो स्टेट? फिफ्टीन. तो कई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. आप सीधे सीधे देखिए इन स्टेट को निकाल के भी माइक्रो स्टेट निकाल सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि ये भैया ये इसकी स्टेट है, इसकी कितनी माइक्रो स्टेट्स होंगी, तो आप डायरेक्ट भी इसकी माइक्रो स्टेट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कई तरीके. हाँ मैम, माइक्रोस्टेट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें ये आइडिया कैसे आएगा कि हमें कितना इसमें डिजेनरेट करना है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस करनी है? ये अपने आप एक ही वैल्यू रह जाएगी लास्ट में, चाहे वो इतनी रहेगी चाहे वो एक लाइन भी रह सकती है पूरी. जैसे हमने यहाँ पर टेबल बनाई है ना एमएस और एमएल वाली, यहाँ पर तक तो मुझे समझ में आया कि हमने यहाँ पर वैल्यूज कैसे निकाली हैं, पर यहाँ से आगे हमने रिड्यूस कहाँ तक करना है ना. अब मैं एक डी टू कॉन्फ़िगरेशन दिखा देती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसको मैं यहाँ पर कर नहीं रही हूँ. डी टू मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ क्योंकि उसकी बहुत सारी स्टेट्स. ये देखिए पी टू तो मैंने यहाँ पर दिखाई. देखिए डी टू है ये. अब डी टू है, देखिए जितने जितने वो ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे ना, ऑर्बिटल भी बढ़ गए, तो ऑर्बिटल बढ़ने से क्या होगा कि स्टेट्स बढ़ेंगी. 45 स्टेट्स होती है इसकी. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी माइक्रो स्टेट्स कितनी होती है? 45. तो देखिए दो पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है. अब देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस टू प्लस वन में हो सकते हैं. फिर हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया. देखिए इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे, इसको यहाँ जंप करा दिया, यहाँ जंप करा दिया, उसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. फिर देखिए दो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं? प्लस वन में हो सकते हैं. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जंप करा दूं तो ये पॉसिबिलिटीज, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है. तो एक ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर एमएस और एमएल वैल्यू लिखी है, ठीक है. अब देखिए कि एक टेबल मिल गई मुझे, रिड्यूस टेबल. इसकी रिड्यूस टेबल जब मुझे ये मिली तो मैं इसको, अगर आप इसको देखें, इसमें अगर आप समझें तो देखिए यहाँ पर देखिए ये नंबर कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है? जीरो से. ये दिख रहा है ना, ये जीरो से स्टार्ट है. तो इसी 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 कॉलम को देखना है. इसका मतलब जब जीरो से स्टार्ट है ना, मतलब इसी कॉलम को देखना है, ठीक है. तो इस कॉलम को जब आप देखेंगे तो यहां पर एल की वैल्यू और एमएस की वैल्यू कितनी कितनी है?
यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू यह है एक्चुअल में और यह है l की वैल्यू। यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो है, s की वैल्यू जीरो है, ठीक है। और l की वैल्यू कितनी है, फोर, फोर है, yes, तो फोर का मतलब बताइए क्या होगा, फोर का मतलब कौन सी टर्म होगी, जी स्टेट, जी, जी और कितनी जी, वन जी, ठीक है, वन जी होगी। तो ये क्या किया हमने इसमें से, ऐसा दिख रहा है, इतना दिख रहा है, पता नहीं क्यों एरो चला जा रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को या छोटा दिख रहा है, चलिए आ गए, अब ये देखिए गायब हो जा रहा है ना, वन जी आ गई, ठीक है, एक स्टेट। अब देखिए ये वाली मैं लाइन में से एक एक माइनस कर दिया, जब इसमें से एक एक माइनस कर देंगे तो हमें ये टेबल मिल जाएगी, थ्री से स्टार्ट होगी, ठीक है, थ्री से स्टार्ट होगी। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट है, थ्री से स्टार्ट है, ठीक है, ये इसकी इसकी एल की वैल्यू कितनी है, थ्री, और एस की वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये कौन, ये कौन सी स्टेट होगी, एफ, कितनी एफ, थ्री एफ, कौन सी स्टेट होगी, थ्री एफ। अब ये देखिए यहां से वन हटा दिया तो टू से स्टार्ट हो गया, देखिए अब टू से स्टार्ट होगा, देखिए टू से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कहां पर गई है, देखिए जीरो पर गई है, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, प्लस टू, प्लस टू, टू है, और एस की वैल्यू कितनी है, इसको देखिए है, एस की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो, जीरो है, तो क्या है स्टेट, क्या है ये, डी, वन डी, वन डी, ठीक है, वन डी है। अब जब इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे हमारे पास इतना रह जाएगा, देखिए ये रह गया, ये रह गया। अब इसमें देखिए ये इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, प्लस वन, वन, एस की वैल्यू कितनी है, प्लस वन, तो ये स्टेट क्या है, थ्री पी, थ्री पी है। अच्छा, जब इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसका मतलब क्या है, अभी आपने निकाला था एल की वैल्यू कितनी है, जीरो, एस की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ये स्टेट क्या है, वन एस है। ये तब तक करते रहना है जब तक वो रिड्यूस ना हो जाए, कहीं ना कहीं पर रिड्यूस होके आपको मिलेगा फाइनल, इसके बाद तो रिड्यूस ही नहीं कर सकते ना उस टेबल को, फाइनल स्टेट मिल गई। अब देखिए डी टू कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन कौन सी स्टेट मिली, वन जी, थ्री एफ, वन डी, थ्री पी, वन एस। देखिए पांच स्टेट में ब्रेक होता है, पांच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देता है जब ये डी टू कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिट होता है। और ये मेटल आयन की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे फिर बार बार कह रही हूँ, ये मेटल आयन है, ये फ्री एटम है, फ्री एटम में इतना कुछ हो रहा है कि ये इतनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में जनरेट हो रहा है। अब आप बताइए कि जी, जी की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, जी की जो डीजेनरेसी है वो कितनी होती है, देखिए चार से, प्लस चार से माइनस चार तक कितनी होगी, नाइन, ठीक है, नाइन इंटू वन, कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है इसके लिए, नाइन। नहीं बेटा देखो, ये देखो ना, प्लस चार से माइनस चार तक है, तो चार दुनिया आठ और एक नौ, नौ डीजेनरेसी होगी इसकी, चार होता है ना इसका, चार एल का चार होता है। अब थ्री एफ देखिए, एफ की डीजेनरेसी कितनी होगी, सात, सात इंटू थ्री, ट्वेंटी वन, ठीक है, वन डी का मतलब पांच, थ्री पी का मतलब नाइन, वन एस का मतलब वन। अब कितने हो गए देखिए, टोटल नौ और ये तीस हो गए, तीस और पांच पैंतीस और दस पैंतालीस, टोटल कितनी स्टेट हो गई, 45 स्टेट, क्रॉस चेक करके भी सही आना चाहिए। अब आप ये देखिए कि इसमें कितनी स्टेट आई, 1G, 3F, 3P, 1D एंड 1। अब आपसे यहां पूछे कोई कि भाई इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, इन सब में इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, अब आपके लिए मुश्किल आ गई है, क्योंकि यहां पर दो ऐसी टर्म है जिनकी मल्टीप्लिसिटी थ्री है, हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी की टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, लेकिन यहां पर यह दिक्कत आ गई है कि दो ऐसी स्टेट हैं जिनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो थ्री है। अब इस केस में हम क्या लेते हैं, हुंड रूल क्या कहता है, हुंड रूल कहता है कि हमें एल की वैल्यू लेनी है। अब हमें क्या लेनी है, एल की वैल्यू लेनी है, तो जिसकी एल की वैल्यू ग्रेटर होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, पहले तो आप ये देखिए 1G, 3F, 3P, 1D एंड 1S में जो ग्राउंड स्टेट टर्म की पॉसिबिलिटी किसकी है, 3F या 3P की है, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, हायर है। और इन दोनों में से भी कौन होगा ग्राउंड स्टेट, इन दोनों में से भी कौन ग्राउंड स्टेट, बट 3F, 3F। तो आपको देखिए, मैंने हुंड रूल जो है वो तीन तरीके से हुंड रूल आपने देखा, तीन हुंड रूल आपने क्या क्या देखे अगर आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी होगी तो। पहली आपने ऑन द बेसिस ऑफ जे देखी, पहली जो आपने हुंड रूल देखा था ऑन द बेसिस ऑफ जे वैल्यू देखा था, अगर हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से कम कॉन्फ़िगरेशन होगा
तो कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी? अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से कम होगा तो जे की वैल्यू के आधार पर बताइए कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, लोएस्ट वैल्यू, जिसमें जे की लोएस्ट वैल्यू होगी, और अगर हाफ फील्ड से अधिक होगा तो जिसमें जे की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। एक तो आपने ये पढ़ा, दूसरा आपने लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे, हाँ लेस देन हाफ फील्ड होगा तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे, और अगर मोर देन हाफ फील्ड होगा तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे। दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आपने क्या देखा कि अगर मेरे पास डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की टर्म है तो उसमें कौन सी टर्म होगी ग्राउंड स्टेट टर्म, हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी। और अगर मेरे पास दो टर्म ऐसी हो जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम हो, फिर ग्रेटर वैल्यू, जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी, जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए इस बीच में, इतने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की आप निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं माइक्रो स्टेट्स कितनी पॉसिबल है, आप सिंपल फॉर्मूले से भी उसको कवर कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने आपको ये एक जिस्ट दिया है कि अगर एस वन कॉन्फ़िगरेशन है तो एक ही टर्म में ये स्प्लिट होता है, और पी टू है तो देखिए तीन टर्म है, पी थ्री है तो तीन टर्म है। अब देखिए D2 में देखिए पांच टर्म हमने अभी निकाली थी, D3 को देखिए टर्म और बढ़ गई, D4 को देखिए कितनी सारी टर्म्स हो गई, D5 को देखिए टर्म्स की झड़ी लग गई, क्योंकि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अधिक उसका अरेंजमेंट है, 252 इसकी माइक्रोस्टेट्स होती है, उतना ही अधिक उसकी स्प्लिटिंग होगी और उतनी अधिक उसकी टर्म्स होंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जिनमें ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिट होते हैं, और ये ध्यान रखना है कि दीज आर, ये क्या है, एटॉमिक टर्म्स है। ये अभी अभी हम मॉलिक्यूल पे नहीं आए, देखिए एटॉमिक लेवल पर ही क्या क्या हो जा रहा है। तो एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन था, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे अब हम तो बात करेंगे कि भैया ये तो इन इसमें स्प्लिट हो गया। अब देखिए इसमें हमने ग्राउंड स्टेट टर्म भी आपको दिखाई हुई है कि कौन कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म पॉसिबल है, ये दिख रहा है ना बच्चों। देखिए डी टू कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए 3F इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। अब अगर आप डी थ्री देखिए 4P भी है 4F भी है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन होगी, 4F होगी। अब देखिए D4 देखिए 1 है मल्टीप्लिसिटी, 3 है मल्टीप्लिसिटी, 5 भी है मल्टीप्लिसिटी, तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, 5, जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। क्लियर होता जा रहा है? तो आप ग्राउंड स्टेट टर्म, बस हमें ये मतलब नहीं है अभी कि कितनी टर्म्स में टूट रहा है, अभी आपको इससे ज्यादा, पर आपके समझ में आ गया कैसे टूट रहा है, ये क्लियर है बच्चों, वैसे टूट रहा था ये समझ में आ गया आपके। ओवरऑल ये मतलब था मेरा आपको बताने का कि जो ग्राउंड स्टेट और डिफरेंट टर्म्स में एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब पर्टर्बेशंस होते हैं, वो हो सकते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, हो सकती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसकी वजह से आपने देखा एटॉमिक टर्म्स में वो स्प्लिट हुआ। अब मैं किसकी बात करने वाली हूं, मॉलिक्यूलर टर्म्स की, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर टर्म्स इनको हम मोलिकेन टर्म्स भी कहते हैं। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल कितने तरीके के हम यहां पर पढ़ेंगे, हम मॉलिक्यूल यहां पर पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, दो तरीके के हम मॉलिक्यूल्स यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो तरीके के जब हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उनकी मॉलिक्यूलर टर्म्स की हम बात करेंगे। अब आपको एक जिस्ट और दिखा दूं, पहले आप एक जिस्ट देख लें। अगर मैं ग्राउंड स्टेट टर्म्स देखूं टोटल, तो ग्राउंड स्टेट टर्म डी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, डी की, हाँ। अब ये डी में मुझे बताइए ग्राउंड स्टेट टर्म, ये लिखी है मैंने, देखिए यहाँ इधर राइट साइड में देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, डी है। अब डी केवल स्टेट की बात कर रही हूँ, D2 है तो क्या है, देखिए क्या है बताइए, F है, D3 है तो क्या है, F है, D देखिए D4 है तो D है, D5 है तो S है, फिर D6 है तो D है, D7 है तो F है, D8 है तो F है, D9 है तो D है, ठीक है, और अगर D10 है तो क्या है, S है। अब आप मुझे बताइए कितनी टर्म्स आ रही है इसके अंदर, कितनी टर्म्स आ रही है इसके अंदर, कौन कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म है, मतलब
टोटल कितनी आई? थ्री थ्री आई. कौन कौन सी आई? एस बी एंड एन. और ये तो आप कैलकुलेट करना सीख गए, ग्राउंड स्टेट टर्म तो आप तो कैलकुलेट कर ही लेंगे. इसकी जरूरत नहीं है इस टेबल की, आप रसल सैंड्रेस कपलिंग से कैलकुलेट कर लेते हैं. कर लेते हैं ना, सारे कॉन्फ़िगरेशन की करके देखी थी आपने? आपने ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करके देखी थी? नहीं. कुछ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कर रहे हो, पढ़ रहे हो घर में है? नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? क्यों? अरे पढ़ना तुम शुरू नहीं करते, तुम हाँ नहीं बोलते पढ़ने के लिए. पढ़ रहे हो क्यों? ये कौन है दीपक? हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो नहीं होगा. अच्छा अब ये जो है, ये देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग कर दिया. अब ये देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं. अब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, होमवर्क भी देने वाली हूं मैं, बस इसके साथ साथ होमवर्क भी चलेगा. ये चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म डी होती है. ये चार ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट एफ होती है, और ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट एस होती है. बस ये तीन ही तो आपने देखी. आपने देखी डी कॉन्फ़िगरेशन की जो ग्राउंड स्टेट है वो यही तीन होती है, इसके अलावा और कोई ग्राउंड स्टेट नहीं होती. ये हम किसकी बात कर रहे थे? एक चीज और बता दूं आपको मैं, ये हम बात कर रहे थे वीक फील्ड की. अभी हमने स्ट्रांग फील्ड की बात नहीं करी है, अभी हमने केवल वीक फील्ड की बात की है. वीक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ऐसे था 1 2 3 4, और अगर स्ट्रांग फील्ड होता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता, ऐसे हो जाता. इसकी तो बात ही नहीं करी हमने. हमने तो केवल ये इस तरीके से अरेंज करके देखे थे इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं करे थे. ये ध्यान रहेगा ना, हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज नहीं किया था. जब हम इलेक्ट्रॉन्स को हाई लो स्पिन की तरह अरेंज करेंगे तो फिर और भी टर्म्स आएंगी, फिर एच भी आएगी. आपने देखा था एच टर्म भी है, आई भी आएगी, जी भी आएगी, ये टर्म्स भी आएंगी. फिर अभी अब आएंगी आपके, ऐसा नहीं टेनेबो सुगानो डायग्राम हम बनाएंगे तो ये टर्म्स भी आनी है, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की, वहां पर ये तीन टर्म आएंगे. और अगर इन तीन टर्म की हम स्प्लिटिंग देखें, ये टर्म क्या होती है, ये टर्म क्या है, ये कैसी टर्म है, एटॉमिक टर्म है. अभी तो एटम्स की है ना, अभी तो आपने देखा एटॉमिक टर्म है, एटम की तो टर्म है ग्राउंड स्टेट टर्म. किसकी है ये? एटम. एटम की है, एटम की टर्म है. अब हम देखेंगे कि अब हम केवल ग्राउंड स्टेट को पकड़ रहे हैं, एटम की ग्राउंड स्टेट को पकड़ रहे हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी स्टेट से हमें लेना देना नहीं है. अभी हमें केवल किसकी, एटम की ग्राउंड स्टेट से लेना देना है. और जब ये एटम, जब ये एटम लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा. और जब ये मॉलिक्यूल बनाएगा तो ये जो स्टेट है ये फर्दर स्प्लिट होती है, ये जो स्टेट थी ये फर्दर स्प्लिट होती है मॉलिक्यूल के बनने पर लिगेंड के इफेक्ट से. लिगेंड इफेक्ट करता है, और लिगेंड के इफेक्ट से जो ये स्प्लिट होती है उन टर्म्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर टर्म्स. वो क्या टर्म्स है, मॉलिक्यूलर और मोलिकिन टर्म्स. वही टर्म मॉलिक्यूलर या मोलिकिन टर्म्स कहलाती है. ठीक है, ये जो ग्राउंड स्टेट है एटम की, ये इसके साथ जब लिगेंड अटैच होगा तो ये मॉलिक्यूलर मोलिकिन टर्म्स बनाएंगे, ये फर्दर स्प्लिट होती है. इसी से काम है हमें, और हमें किसी से काम नहीं है, हमारा काम इन्हीं टर्म्स से होने वाला है. इतना क्लियर है? ठीक है, ये किसी का माइक तो बड़ा बुरा हो रहा है. किसका बुरा हो गया, किसका माइक है ये जो अच्छा काम नहीं कर रहा है? चलो अब आप मुझे ये बताइए कि ओ बेटा माइक बंद ही कर दो अपना. किसका है, किसी का खराब ही हो रहा है, कोई बात नहीं. डी डी की डिजेनरेसी कितनी बताई मैंने आपको? फाइव. एफ की कितनी होती है? सेवन. जैसे सात, जैसे सात ऑर्बिटल होते हैं ऐसे सात. एस की कितनी होती है? वन. इनकी डिजेनरेसी पता चल, हाँ डिजेनरेसी पता चल गई आपको. अब आप फिर से सोचिए कि डी ऑर्बिटल था एक. डी ऑर्बिटल जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होता है ना, डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, स्मॉल लिखा है मैंने. तो जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट होता था कैसे स्प्लिट होता है, टी टू जी एंड ई जी, ऐसे स्प्लिट होता है. ठीक है, डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी कितनी होती है? पांच होती है. और ये टी टू जी की डिजेनरेसी कितनी होती है? थ्री मैम. थ्री. और टी टू ई जी की कितनी होती है? टू.
तो यानी जब ये स्प्लिट होता है तो टोटल डीजेनरेसी इसी के बराबर तो आ जाती है, आती है? तो भाई एक चीज जब, हाँ जो एक चीज है जब वो टूटेगी तो अपने जितने थे उतने ही पार्टों में टूटेगी, उसके अलावा तो टूटेगी नहीं। तो जैसे एजी और टी टू जी में वो टूटता था, यानी जितनी डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल की होती थी उतनी ही जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स थे उनकी डीजेनरेसी भी होती थी। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी होगा। जो स्टेट्स हैं वो जितनी डीजेनरेसी उनकी है ना उतनी डीजेनरेसी में ही स्प्लिट होंगी दूसरी स्टेट में जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तब। ठीक है, तो अगर 5 डीजेनरेसी है तो टूटने के बाद भी डीजेनरेसी कितनी होती है? 5 होती है। अब पहले मैं आपको कुछ नॉमनक्लेचर दिखाऊं, यहां से शायद आपके समझ में आएगा। कहीं से कहीं जाना पड़ रहा है मुझे किसी स्लाइड से ताकि आपको समझ में आए। पहले हम ये देखेंगे कि हम 3 नए नाम जनरेट करने वाले हैं। एक है ए, ई तो आप जानते हैं, स्मॉल ई आप जानते हैं, स्मॉल टी आप जानते हैं। स्मॉल ई का मतलब डबली डीजेनरेट, स्मॉल टी का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट। जैसा आपने देखा था कि टी टू जी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ई जी में 2 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब डीजेनरेसी कितनी है? 2। और टी की डीजेनरेसी कितनी थी? 3 थी, 3 ऑर्बिटल थे। अब एक टर्म और है ए, ए का मतलब कितनी डीजेनरेसी? एक पॉसिबिलिटी होगी। ए का मतलब एक पॉसिबिलिटी होगी। तो हम केवल 3 टर्म की बात कर रहे हैं। अब हम मॉलिक्यूलर टर्म्स की बात कर रहे हैं बच्चों। अभी तक जो हम बात कर रहे थे एटॉमिक टर्म की बात कर रहे थे, एटॉमिक टर्म कौन सी थी? डी थी, पी थी, एफ थी, और क्या थी? जी थी, एच थी, आई थी, ये क्या थी? एटॉमिक टर्म। अब ये जो एटॉमिक टर्म है ये किसमें टूटेगी? एटॉमिक टर्म किसमें टूटेगी? जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो किसमें टूटेगी? मॉलिक्यूलर टर्म में। जो मॉलिक्यूलर टर्म है वो 3 मेन होती है, ए, टी एंड ई। यही 3 टर्म होती है मॉलिक्यूलर टर्म, इन्हीं से मिलकर बाकी सारी टर्म्स बनती है। बी भी होती है, कई जगह पर बी भी होती है, कैपिटल बी, तो कैपिटल बी भी होता है। और कैपिटल बी और ए का मतलब होता है सिंगल, सिंगल। टी का मतलब होता है ट्रिपल और ई का मतलब होता है डबल। ये देखिए, तो ये 3 का मतलब जानना जरूरी है। ए का मतलब सिंगली डीजेनरेट, टी का मतलब ट्रिपली डीजेनरेट, ई का मतलब डबली डीजेनरेट। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैपिटल टी कहेंगे। अभी तक तो हम टी टू जी और ई जी की बात करते थे, अब हम कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम कैपिटल टी कहेंगे, कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम कैपिटल ए कहेंगे, कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम कैपिटल ई कहते हैं। अब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, पहला कॉन्फ़िगरेशन जहां पर टी टू जी में तो 3 इलेक्ट्रॉन है और ई जी में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस मैम। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, टी टू जी 6 है और यहां पर डी 10 है, टी टू जी 6 एंड ई जी 2। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्या, आप इसको कैसे क्या कह सकते हैं, मतलब ये आपको कैसा भरा हुआ दिखाई दे रहा है? दिखने में अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है? अगर आप इसको और इसको अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन अच्छा दिख रहा? ये एक लास्ट है। ओहो, किसका है? किसका माइक है? किसका माइक खराब है? वो अब उसको चुप ही रहना पड़ेगा। ये बताइए कि ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा दिख रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा दिख रहा है? मैम हाफ फील्ड वाला, हाफ फील्ड वाला अच्छा दिख रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? हाफ फील्ड है, तो आपने बता दिया। तो और हम क्या कह सकते हैं इसको? क्या कहलवाना चाह रही हूँ मैं आपसे, कैसा फील्ड है ये और ये कैसा फील्ड है? कोई और एक टर्म आपको समझ में आ रही बात? कोई एक टर्म और हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ये कैसा फील्ड है? सिंगली ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं, कैसा दिख रहा है अगर हम कैसा बच्चा? इसकी फीलिंग और इसकी फीलिंग में क्या अंतर दिखे? अच्छा क्यों दिख रहा है? क्यों ये कैसा है? कोई चीज अच्छी हमें तब दिखती है जब वो कैसी होती है जनरली। वो टर्म आपके जुबान पर लाना चाह रही थी मैं कि वो एक जॉन टेलर थ्योरी में भी आपने पढ़ी होगी, कोई चीज पढ़ी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन से? ऐसे होंगे तो ऐसा होगा, ऐसे होंगे तो ऐसा होगा, कुछ पढ़ा है ऐसा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में? पढ़ा है बच्चों? ट्रिपली डीजेनरेट, हाँ
सुनाई नहीं दिया मुझे, साफ नहीं सुनाई देंगे। ये टर्म सुना है? सिमेट्री और एसिमेट्री। यस आपको ये सिमेट्रिकली फील्ड दिख रहा है, ये सिमेट्रिकली फील्ड दिख रहा होगा। यस मैम, ये सारे के सारे आपको सिमेट्रिकली, ये सब आपको सिमेट्रिकली फील्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो जब एक कॉन्फ़िगरेशन में T2G या केवल T2G या केवल EG या T2G और EG दोनों सिमेट्रिकली फील्ड हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की एक ही पॉसिबिलिटी होती है। जैसे इसकी एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। और यहां पर अगर आप देखेंगे, इसकी भी एक ही पॉसिबिलिटी है। तो जब एक पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की, तो ये जो टर्म जनरेट होती है इसको हम ए टर्म कहते हैं। अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब आप यहां पर आइए, यहां पर आप जाइए, देख T2G तो सिमेट्रिकली फील्ड है, लेकिन EG क्या है? एसिमेट्रिकली फील्ड दिख रहा होगा आपको। यहां पर भी इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आप, T2G इज एसिमेट्रिकली फील्ड बट EG इज एसिमेट्रिकली फील्ड है। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि यहां पर दो पॉसिबिलिटी है इसके अरेंजमेंट की। ये अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, ये दो पॉसिबिलिटी है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी। ऐसे ही इस कॉन्फ़िगरेशन की भी दो पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन या तो यहां हो या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर ई जो है वो एसिमेट्रिकली फील्ड हो ईजी सेट, तो फिर उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। यहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये जो टर्म जनरेट करेगा उसे हम ई टर्म कहते हैं। डब्ल्यू डी जनरेट है, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है इसके अरेंजमेंट की, इसलिए डब्ल्यू डी जनरेट है। लेकिन अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को देखूं जहां पर T2G इज एसिमेट्रिकली फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन। अब यहां पर देखिए, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हो सकते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां और यहां भी हो सकते हैं, या फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है और एक यहां हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? थ्री। अब यहां पर आइए, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है? थ्री। तो आपको ये देखना है कि मतलब सेम ऑर्बिटल में वो एक्सचेंज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, सेम ऑर्बिटल में इधर से उधर जा सकता है। यहां पर क्या सेम ऑर्बिटल में कोई पॉसिबिलिटी है? अगर वो जाएगा भी तो उसका कोई चेंज ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो गया है, कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। यहां पर अगर वो एक्सचेंज करना चाहे तो दिखाई नहीं देगा कि कोई चेंज हुआ है, क्योंकि एल की वैल्यू तो वही रहेगी और एस की वैल्यू भी वही रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एल की वैल्यू भी वही रहेगी, एस की वैल्यू भी वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे ML और MS की वैल्यूज। तो इसलिए इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ए टर्म कहते हैं इसे हम। अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन या तो जीरो वाले, या तो ये -1 वाले में या ये -2 वाले में, यहां पर या तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन -1 वाले में या -2 वाले में। तो देखिए ML की वैल्यू चेंज हो जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी दो पॉसिबिलिटी है इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस की, तो ये टर्म E कहलाएंगी। और अगर आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे जहां पर T2G इज एसिमेट्रिकली फील्ड, तब आप देखेंगे कि इसकी तीन पॉसिबिलिटी, या तो ये +1 वाले में होगा या ये जीरो वाले में होगा, या ये +2 वाले में होगा, +1 वाले में होगा या जीरो वाले में पॉसिबल है। तो इसकी जो ML की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटी की वजह से ये टर्म क्या कहलाती है? T टर्म कहलाती है। ये जो है ये मुलिकन टर्म्स है, A, E, N, T। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर आप ये समझ गए हैं कि हम ए टर्म किसे कहते हैं, ई टर्म किसे कहते हैं, मतलब हमेशा अगर T2G एंड EG दे आर सिमेट्रिकली फील्ड देन द टर्म इज ए, इफ EG इज एसिमेट्रिकली फील्ड देन टर्म इज ई, और अगर T2G एसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो टर्म टी होगी, क्योंकि इसकी तीन पॉसिबिलिटी होंगी। अगर टी में एसिमेट्रिकली फील्ड है तो टी टर्म है, अगर ई में एसिमेट्रिकली फील्ड है तो ई टर्म है, अगर एसिमेट्रिकली फिलिंग ही नहीं है, सारी सिमेट्रिकल है, तो वो ए टर्म है। ये समझ में आ गया आपके? यस मैम। अब हम जा रहे हैं स्प्लिटिंग की ओर। अब आपके ये समझ में आ चुका है, तो अब हम जाएंगे स्प्लिटिंग की ओर, जहां पर हम देखेंगे कि ये हमने कहा था कि तीन टर्म है, और ये तीन टर्म की बात कर रहे हैं अभी हम पहले, और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल बनाएगा तो फिर कैसे स्प्लिटिंग होगी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं D1 कॉन्फ़िगरेशन से, सबसे छोटे कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं D1। D1 की ग्राउंड स्टेट क्या है? इसकी L की वैल्यू 2 है, इसकी S की वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या टर्म है? 2। ये क्या टर्म है?
2d, इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है 2d। अब ये जो 2d थी, ये थी एटॉमिक टर्म। कैसी टर्म थी, कैसी टर्म थी, ये एटॉमिक टर्म थी, एटॉमिक ग्राउंड स्टेट टर्म थी। क्लियर है, ये तो क्लियर है। देखिए 2d आ गई, कुछ भी नहीं हुआ इसमें अभी। अब इसको लिगेंड अप्रोच करेगा। अब इसको कौन अप्रोच करेगा, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब इसको कितने लिगेंड अप्रोच करेंगे, सिक्स लिगेंड, छह लिगेंड अप्रोच करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब छह लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। जो डी ऑर्बिटल पहले थे उनकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। वो डी ऑर्बिटल कैसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे तो अरेंज होंगे ऑक्टाहेड्रल में, कॉम्प्लेक्स बन गया, पहले कॉम्प्लेक्स नहीं था, अब कॉम्प्लेक्स बन गया है, बन गया है? ये स्प्लिटिंग हो गई। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये क्या है, टी टू जी। इस कन्फिग्रेशन क्या हो गया, टी टू जी वन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, टी टू जी में, ये तो ई जी है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, टी टू जी में चला गया। ये क्लियर हो रहा है, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे मैं बात कर रही हूं, ये कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूं। ये इसका मतलब है, ये जो टर्म थी ये एटॉमिक टर्म थी और एटम की ग्राउंड स्टेट थी। इसकी ग्राउंड स्टेट थी एटम की या फ्री आयन की। ये अब आप देखिए, ये भी ग्राउंड स्टेट है, बट दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन कहां रेस्ट कर रहा है, टी टू जी में। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो जाए तो ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, यूवी या विजिबल रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, चला जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ई जी वन, और ये क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। किसकी एक्साइटेड स्टेट है, किसकी एक्साइटेड स्टेट है, कॉम्प्लेक्स की है। तो एक चीज अगर आप ध्यान दें, तो ये मैंने जो लेफ्ट में लिखा है, ये एटॉमिक टर्म है, ग्राउंड स्टेट टर्म है, किसकी है, फ्री मेटल आयन या मेटल की, ठीक है। ये जो मैंने लिखी है T2G1, जब कॉन्फ़िगरेशन है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, तो उसकी ग्राउंड स्टेट है। और ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ईजी में चला जाएगा, जाएगा। इतनी चीज क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। अब हम इनको नाम देने वाले हैं, अब हम इनको नाम देने वाले हैं। क्या नाम देंगे, इसको देखिए, ग्राउंड स्टेट को देखिए, कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट को। कौन एसिमेट्रिकली फिल्ड है, कौन सा ऑर्बिटल एसिमेट्रिकली फिल्ड है, T2G। तो इसकी, इसका नया नाम, एक टर्म जनरेट होगी 2D से, एक नई टर्म जनरेट होगी, उसका नाम क्या होगा, T2G इज एसिमेट्रिकली फिल्ड। जहां पर T2G एसिमेट्रिकली फील्ड होगी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, तीन पॉसिबिलिटी है। तो ये टर्म का नाम हमने नया नाम रख दिया, अब इसका नाम हमने टी रख दिया, यानी ये टी है। ये क्या है, टी है। जब इसने इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब ये देखिए, यहां पर अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो यहां पर ई इज एसिमेट्रिकली फील्ड, तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, two. कितनी पॉसिबिलिटी। तो ये टर्म क्या है, अब देखिए, हम कॉम्प्लेक्स की टर्म बता रहे हैं, अभी तक तो हमने एटम की टर्म बताई, अब हम ये भी बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स की भी दो टर्म आ गई। देखिए, एक ग्राउंड स्टेट आ गई और एक एक्साइटेड स्टेट आ गई। आई आज मैं डी आपको क्लियर करने वाली हूँ, डी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मैं इसको कैसे बताऊंगी कि ये, इसका मतलब है कि जब एक डी कॉन्फ़िगरेशन, डी स्टेट, कैपिटल डी स्टेट जब स्प्लिट होती है, कैपिटल डी, तो ये किसमें स्प्लिट होती है, डी जो स्टेट स्प्लिट होती है वो ई और टी टू में स्प्लिट होती है, ई और टी में स्प्लिट होती है। टी की डिजेनरेसी कितनी होती है, टी की डिजेनरेसी कितनी होती है, टी की थ्री होती है, ट्रिपली है ना, थ्री। और ई की कितनी होती है, टू। और डी की कितनी होती है, फाइव। तो देखिए, जो पांच जिसकी डिजेनरेसी थी वो टर्म ऐसी टर्म में टूटी जिनकी टोटल डिजेनरेसी कितनी है, पांच है।
वो ऐसी टर्म्स में टूटती है, ऐसी टर्म, यानी जो डी है ये तो एटॉमिक टर्म है, डी जो है वो तो एटॉमिक टर्म है, और ये जो है ये मॉलिक्यूलर टर्म है, इनको हम मुलिकन टर्म्स भी कहते हैं। यानी ये जो डी थी जो एटम में थी वो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फर्दर स्प्लिट हो सकती है ई और टी टू में ही होगी हमेशा स्प्लिट, हमेशा डी टर्म ई और टी टू में स्प्लिट होगी। अब ई नीचे होगा कि टी टू नीचे होगा ये डिपेंड करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक एटॉमिक टर्म मॉलिक्यूलर टर्म्स में स्प्लिट होती है जब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अभी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर डी वन कॉन्फ़िगरेशन है तो देखिए टी की एनर्जी कम है, ग्राउंड स्टेट है, और ई की एनर्जी अधिक है। दूसरा क्या होता है कि जब भी एक एटॉमिक टर्म एक मॉलिक्यूलर टर्म में स्प्लिट होती है तो डीजेनरेसी सेम रहती है। ये देखिए डीजेनरेसी सेम रहती है भाई। एक अगर हम अपनी बात ही करेंगे या हम बात करेंगे कि अगर मैं जेनेटिक की ओर जाऊं तो एक ह्यूमन बीइंग का जो बच्चा होगा वो ह्यूमन बीइंग ही होगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं, या हम कहेंगे किलोमीटर की यूनिट से अगर कुछ जनरेट होगा तो किलोमीटर ही यूनिट में आंसर आएगा हमारा। अगर मैं किलोमीटर में कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मेरा आंसर किलोमीटर में आएगा। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिसिटी की टर्म एटम में टू होगी तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो भी कितनी होगी, टू ही होगी। जो उसके जो बच्चे आएंगे उनकी मल्टीप्लिसिटी भी कितनी होगी, दो ही जनरेट होगी, अलग नहीं होगी। तो ये मॉलिक्यूलर टर्म्स जो होती है उनकी मल्टीप्लिसिटी भी वही होती है जो मल्टीप्लिसिटी उनके पेरेंट एटॉमिक टर्म की होती है। ठीक है, इतना क्लियर है पहले? अभी जब हम और कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डी वन कॉन्फ़िगरेशन के केस में 2D स्टेट थी, ये 2D स्टेट दो स्टेट में स्प्लिट हो गई। एक की एनर्जी कम थी, एक की एनर्जी अधिक थी। किसकी एनर्जी कम थी? और ये टी टू है, यह हमेशा टी टू होता है, जैसे टी टू जी और ईजी होता है ऐसे ये टी टू होता है, वही समझ लीजिए आप। ठीक है, कैपिटल लिखा है यहाँ पर, ये टी टू जी, बल्कि ऑक्टाहेड्रल में हम जी लिखते हैं, ये कैपिटल टी टू जी है, और जो जिसकी एनर्जी अधिक है वो ई जी, ऐसे लिखेंगे हम, ये टर्म्स है कैपिटल लिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो टू डी टर्म थी जो कि फ्री एटॉमिक टर्म थी और ये मॉलिक्यूलर टर्म्स थी, उसमें टू टू टी जी जो है ग्राउंड स्टेट टर्म थी, और ई जी क्या थी, एक्साइटेड स्टेट। देखिए हमें दो टर्म मिल गई, हमें आपसे शुरू में कहा था कि हमें चाहिए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ताकि हम ट्रांजिशन को बता सकें। तो यहां पर हम ट्रांजिशंस को बता पाएंगे क्योंकि क्या है, ये एक हमें ग्राउंड स्टेट मिल गई, एक हमें एक्साइटेड स्टेट मिल गई मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में ही तो ट्रांजिशन बताना है, हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ही तो स्पेक्ट्रा बताना है, एटम का नहीं बताना है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रा हमें बताना है। ठीक है, ये है डी वन कन्फिग। अभी आपको एकदम सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अब हम आ रहे हैं, मैंने आपसे दूसरा कन्फिग्रेशन आपने लिखा है जिसकी डी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। लिखा है आपने दूसरा ग्राउंड, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जिसकी ग्राउंड स्टेट डी होती है वो कौन सा है? डी सिक्स। तो अब हम डी सिक्स की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की ही बात कर रहे हैं, अभी हम टेट्राहेड्रल पर नहीं आए। डी सिक्स, अब इसकी ग्राउंड स्टेट हम क्या है, कैलकुलेट करिए कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5d, गुड 5d, ठीक है 5d। अब ये 5d थी, अब जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल स्प्लिट, सब वीक फील्ड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो पांच इलेक्ट्रॉन से हैं, छह इलेक्ट्रॉन से, वो कैसे अरेंज होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट, ये मॉलिक्यूल बन गया ना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये जो है, और ये क्या है, ये एटम था, ठीक है। अब दूसरे उसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होगा, अगर ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो यहां चला जाएगा, और देखिए इसकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे ही उठ के ऊपर चला जाएगा, स्पिन पे नहीं बदलेगी, आप देख सकते हैं स्पिन बदलेगी नहीं बदलेगी, ऐसे ही रहेगी ना, ये देखिए वो अपोजिट स्पिन में था, अपोजिट स्पिन में ही चला गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ऊपर चला गया, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का कलर होगा चला गया। अब यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पहला वाला, ये ग्राउंड स्टेट का क्या है, T2G4Eg2 था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G3Eg3 हो गया ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। मुझे
आप मुझे ये बताइए जो ग्राउंड स्टेट है इसमें कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन को देख के भी पता चल जाएगा, टी टू जी फोर ई जी टू कौन टी टू जी, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी मैम? थ्री पॉसिबिलिटी होंगी, थ्री पॉसिबिलिटीज होंगी और कैपिटल टी मैम, टी आएगा, कैपिटल टी आएगा, टी टर्म हो गई, और ये कितनी टर्म है? फाइव, क्योंकि फाइव से जनरेट हो रही है, फाइव टी टू जी। और ये जो टर्म है ग्राउंड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट है, इसमें देखिए कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है? इजी, तो देखिए फाइव इजी। अब आप देखिए जब मैं बात कर रही हूँ फाइव डी यानी डी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ, तो कम एनर्जी किसकी है? फाइव टी टू जी की, और अधिक एनर्जी किसकी है? इजी की। ये ग्राउंड स्टेट है, कॉम्प्लेक्स की है, एक्साइटेड स्टेट है। ये देखिए सेम तरीके की स्प्लिटिंग देख सकते हैं आप, ये देखिए डी वन और डी सिक्स की सेम तरीके की, देखिए टी टू जी नीचे है, ईजी ऊपर है, दोनों में बस मल्टीप्लिसिटी का अंतर है, है अंतर? ठीक है, yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हम देखते हैं अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था नेक्स्ट जिसकी डी थी, डी फोर, डी फोर, डी फोर, अब डी फोर देखते हैं, डी फोर, डी फोर का कितना होगा जो ग्राउंड स्टेट टर्म है? 5D, डी फोर की भी 5D होगी, ठीक है 5D होगी, तो जो 5D है वो 5D एटॉमिक टर्म थी, और ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट हम बनाने जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे? 1, 2, 3, 4, ये कैसे होंगे? 1, 2 और एक इलेक्ट्रॉन, देखिए सीधी स्पिन में जो है, स्पिन उसकी चेंज नहीं हो रही है, भी ध्यान रखिए, देखिए ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बताइए यहाँ पर कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है? टी टू जी थ्री ई जी वन, ई जी तो क्या हो गई, देखिए ये स्टेट क्या हो गई, 5EG, और यहाँ पर कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है? टी टू जी तो ये क्या हो गया, 5T2G। अब आप देखिए इसकी स्प्लिटिंग देखिए, 5D ग्राउंड स्टेट क्या है? 5EG, और जो 5T2G है वो इसकी क्या है? एक्साइटेड। देखिए अंतर देखिए, D1 और D6 एक से थे क्योंकि T2G नीचे थी, लेकिन जो जो D4 कॉन्फ़िगरेशन है देखिए उसकी EG नीचे है और T2G ऊपर है, है? हमको कुछ याद नहीं करना है, हमको कुछ याद नहीं करना है, हम करते जा रहे हैं, निकलते जा रहा है, क्लियर है? किसी कॉन्फ़िगरेशन में, किसी कॉन्फ़िगरेशन में ईजी नीचे होगा, किसी कॉन्फ़िगरेशन में T2G ऊपर रखा, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपने स्प्लिटिंग सीख ली तो ऑर्गल डायग्राम बन गए समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर नो प्रॉब्लम, मतलब यही ऑर्गल डायग्राम है, ज्यादा कहीं दूर नहीं जाना है। तो किसी में कॉन्फ़िगरेशन में ईजी नीचे होगा, किसी में T2G ऊपर होगा, ठीक है? अब आप ऐसे ही D9 का आप निकाल लेंगे, क्योंकि D9 में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और D1 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों की जो ग्राउंड स्टेट है वो 2D आएगी, लेकिन आप देखेंगे ईजी नीचे आएगा, T2G ऊपर आएगा, वो आप खुद करके देखेंगे, ठीक है? अब मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर जा रही हूं, ठीक है? अब हम D1 टेट्राहेड्रा देखते हैं, D1 टेट्राहेड्रा। अब जो एटॉमिक स्टेट होगी ना वो तो वही होगी, क्योंकि D1 में तो कोई कॉम्प्लेक्स बना नहीं है। देखिए अगर मैं D1 को, अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूं, ठीक है, अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूं तो एटॉमिक टर्म क्या होगी D1 की? D1 की एटॉमिक टर्म क्या होगी? डी रहेगी ना, एटॉमिक टर्म तो सेम रहेगी, एटॉमिक टर्म तो चेंज नहीं होगी, जो जो मोलिकुलर टर्म है ना वो चेंज होगी, क्या चेंज होगा? मोलिकुलर टर्म चेंज होगी, लेकिन एटॉमिक टर्म तो वही रहेगी, एटम तो वही था, ये क्या हुआ था 5EG, अभी मैं लिख के रख रही हूँ 5T2G, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था? D4, ठीक है। अब हम आ रहे हैं D1 में जो एटॉमिक टर्म है ना वो क्या रहेगी? वो तो 2D ही रहेगी, क्या रहेगी? ये देखिए एटॉमिक टर्म तो सेम रहेगी, एटम अभी तो कॉम्प्लेक्स बना नहीं है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बन गया, अब कॉम्प्लेक्स बन गया तो ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे, ये टेट्राहेड्रल है, ऐसे अरेंज होंगे। अब टेट्राहेड्रल में हम क्या करेंगे, ई लिखेंगे और T2 लिखेंगे, हम इसमें जी नहीं लगाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐसे ही लिखते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, ये E1 है और ये क्या है, T2 1 है,
ठीक है, तो यहां पर कौन एसिमेट्रिकली फिल्ड है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहां पर कौन एसिमेट्रिकली फिल्ड है, एसिमेट्रिकली है, ई है, तो क्या होगी जो स्टेट होगी वो क्या होगी, कैपिटली ई, कैपिटल ई, कितना ई, टू ई, कोई जी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ आइए, यहाँ कौन एसिमेट्रिकली फिल्ड है एक्साइटेड स्टेट में, टी टू, तो ये क्या हो जाएगी, टू टी टू, जी नहीं लगाना है। ये देखिए स्प्लिटिंग हो गई टेट्राहेड्रल डी वन कॉन्फ़िगरेशन की, अब हम इसकी स्प्लिटिंग करके दिखाते हैं टू डी, टू डी की ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, टू ई, और एक्साइटेड स्टेट क्या है, टू टी टू। अब आप कंपेयर कर, अब आप कंपेयर करिए इसको, ये देखिए ये है डी वन टेट्राहेड्रा और ये है डी वन ऑक्टाहेड्रा, कंपेयर करिए, देखिए ये डी वन ऑक्टाहेड्रा है, यहाँ पर टी टू जी इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, और ये जो टेट्राहेड्रा है यहाँ पर टू ई इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, बस बिल्कुल वैसे ही अपोजिट है जैसा अपोजिट उनका डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल एक में ई, जो टेट्राहेड्रल है उसमें ई नीचे होता है और जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें टी टू नीचे होता है, तो क्योंकि उनकी जो स्प्लिटिंग है वही उल्टी है, एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए जब उनकी स्प्लिटिंग होगी उनकी एटमिक टर्म्स की तो बिल्कुल अपोजिट होगी, जो डी वन ऑक्टाहेड्रा होगा उसका जस्ट अपोजिट जो है वो डी वन टेट्राहेड्रा होगा, ऐसे ही जो डी सिक्स ऑक्टाहेड्रा होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, डी सिक्स टेट्राइड। एक और करके देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी, एक डी सिक्स और कर रही हूं, या हम ऐसा करते हैं डी फोर कर लेते हैं, ठीक है, डी फोर करके और देखते हैं हम, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए कैसे, अभी हमने डी किया, देखिए एफ तो थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का है, ये देखिए डी फोर टेट्राहेड्रा, ये देखिए वन टू थ्री फोर, आप मेरे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जरूर देखिएगा, मैं इसको सब जो है वो आप देख रहे हैं कि मैं सिंगली पेयर्ड कर रही हूं, मतलब सारा वीक फील्ड की बात हो रही है, वीक फील्ड की बात हो रही है ये सारी, ठीक है। अब आप बताइए ये कौन सी स्टेट होगी, कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है, T2 और ये कौन सी स्टेट है दूसरी वाली, फाइव टी। अब देखिए जब 5d स्प्लिट होगी तो नीचे किसकी एनर्जी होगी, 5t2, और ऊपर किसकी एनर्जी होगी, 5e। ये क्या है, d4 टेट्राहेड्रा, ये क्या है, d4 ऑक्टाहेड्रा। अब आप कंपेयर करिए, ये देखिए यहाँ कौन किसकी एनर्जी कम है और यहाँ किसकी एनर्जी कम है, देखिए d4 ऑक्टाहेड्रा में e की एनर्जी कम है और d4 टेट्राहेड्रा में t की एनर्जी कम है। इतना क्लियर हो गया, देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये जब एक डी टर्म टूटेगी तो हमेशा दो ही टर्म में आप कितने ही कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म डी होगी, जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, डी होगी, वो कितनी टर्म में टूटेंगे हमेशा, कितनी टर्म में टूटेंगे हमेशा, हमेशा टू में टूटेंगे, डीजेनरेसी भी बराबर होनी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेबल दिखा रही हूँ क्योंकि अगले टर्न में मैं आपको एफ की स्प्लिटिंग बताऊंगी, जब तक क्योंकि एफ की स्प्लिटिंग थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा तो वो हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे, ताकि जैसे ही आपको स्प्लिटिंग आई तो समझ लीजिए आपको ऑर्गल डायग्राम बनाने आ गए, फिर कुछ करना ही नहीं है, स्प्लिटिंग आ गई तो बस अगले टर्न में ऑर्गल डायग्राम भी हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जो ग्राउंड स्टेट है, अगर पी कॉन्फ़िगरेशन है ना तो P1 P2 है तो वहां पर पी भी हो सकती है ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है, पी भी हो सकती है, तो अगर पी होगी तो पी की डिजेनरेसी कितनी होगी, तीन, ठीक है। एटॉमिक टर्म ये पी की किसकी लिए हमने, पी जो है वो किसकी हो सकती है, पी कॉन्फ़िगरेशन की हो सकती है, ठीक है। तो जब ये तीन डिजेनरेसी होगी तो तीन डिजेनरेसी T1 ही होती है, ये T1 ही होता है, T का मतलब है कि triple degenerate, तो इसकी जो मुलेकिन टर्म जनरेट होती है वो T जनरेट होती है, एक ही टर्म जनरेट होती है, यानी जब एटम था तो भी एक है और जब मॉलिक्यूल बना तो भी एक ही टर्म जनरेट होती है इसकी। अब अगर मैं डी की देखूं, डी की जो मुलेकिन टर्म है, टेबल है, मुलेकिन टर्म कौन कौन सी पॉसिबल है, डी देखिए, अब देखिए इनमें जो मल्टीप्लिसिटी है वो सेम लगाई हुई है, ठीक है, और जी नहीं लगाया है, जी हम तब लगाएंगे जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और जब टेट्राहेड्रल होगा तो हम जी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए एनडी, एनडी किस में टूटा, देखिए टी टू और ई में, टी की डिजेनरेसी कितनी है, थ्री,
और ई की कितनी है टू, तो टोटल डिजेनरेसी विल रिमेन द सेम. एफ, एफ टर्म भी आएगी. अभी आपने देखा कि चार कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे हैं, कौन है डी टू डी थ्री डी सेवन एंड डी एट. ये चार कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे हैं जहां पर एफ टर्म होती है. तो ये एफ टर्म किस में टूटती है देखिए, ये हम करेंगे अगली बार. ये तीन टर्म्स में टूटती है, ए टू टी वन टी टू. ए की डिजेनरेसी कितनी होती है वन वन, टी की कितनी होती है थ्री थ्री, और टी की कितनी होती है दूसरे टी की, ठीक है, तो तीन ही होती है. तो टोटल कितनी हो गई देखिए, सेवन डिजेनरेसी हो गई. और एफ की डिजेनरेसी कितनी होती है सेवन. तो ये उतनी ही टर्म्स की डिजेनरेसी की टर्म्स में टूटेगा जितनी उसकी खुद की डिजेनरेसी होती है. तो ये हमेशा ए टू टी वन और टी टू में ही टूटेगा, ठीक है. ये कुछ कैलकुलेशंस ग्रुप थ्योरी के थ्रू भी करी हुई है. जो नाम दिए हैं टी वन टी टू ए टू ए वन, ये सब ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग है. जैसे आपने वहां पर भी देखा था पिछले बार कार्बोनिल्स का जब हमने स्पेक्ट्रा देखा था, तो वहां पर आपने देखा था सारी टर्म्स कहां से जनरेट होकर आई थी, ग्रुप थ्योरी से. पर यहां पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि T2 और E कैसे, कुछ याद नहीं करना है आपने, आपने तो सिर्फ उसको स्प्लिट करना है और देखना है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कौन सी स्टेट जो है वो क्या है, एसिमेट्रिकली फील्ड है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट आ जाएगी, ठीक है. तो अब जी देखिए, जी जी की डिजेनरेसी कितनी होगी, बढ़ती जाएगी. इसकी 9 होगी, इसकी 11 होगी, इसकी 13 होगी, ऐसे बढ़ती है डिजेनरेसी, ठीक है. तो जी 9 है, तो देखिए किस में टूट रहा है. ए की डिजेनरेसी कितनी है 1, ई की डिजेनरेसी कितनी है 2, टी वन की डिजेनरेसी कितनी होती है 3, टी वन की कितनी होती है 3. तो 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9, टोटल डिजेनरेसी कितनी होगी 9. एच जो है वो किस में टूटता है देखिए, ई की डिजेनरेसी 2, 2 टी वन बनती है, मतलब 6 हो गई, और 1 टी टू बनती है 6, 6 6 12 और 2 सॉरी 3, 6 3 9 और 2 11. अब देखिए आई की 13 डिजेनरेसी होती है, ए की होती है 1, ए की होती है 1, ई की होती है 2, टी की होती है 3, और 2 टी टू है तो 6 होगी. तो टोटल कितनी होगी डिजेनरेसी 13. तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो टर्म्स हैं जो मैंने नीचे लिखी हैं, ये टर्म्स काम आएंगी जब हम टेनेको सुगानो डायग्राम्स पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की भी बात करने वाले हैं. तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये टर्म्स की जरूरत हमें वहां पर पड़ेगी. तो अभी जो हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे वो इन तीन की पढ़ेंगे. एस हमने लिखा नहीं है क्योंकि एस जो है, एस एक टर्म क्या थी, एस थी. तो एस का मतलब कितना होता है, एस की डिजेनरेसी कितनी होती है, एस ऑर्बिटल की कितनी होती है वन. तो इस एस की भी वन डिजेनरेसी होगी. तो हमेशा ये एक टर्म में स्प्लिट होता है, इसकी टर्म जो होती है ए वन होती है. अगर अगर ये एन एस है तो ये एन ए वन में स्प्लिट होगा. तो इसकी इसका जो मुलिकिन टर्म होता है ना, वो ए वन होता है. ये लिखा नहीं हमने यहाँ पर. तो एस का जो मुलिकिन टर्म होगा वो क्या होगा, ए वन होता है, हमेशा एक ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगल डिजेनरेट है, ठीक है. अब आपको मेरी कुछ बात समझ में आई होगी. yes, आज तो yes, आज आपने क्या 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 पढ़ा, कोई एक जिस्ट बताए पहले मुझे, थोड़ा सा हम फिर जो है हाई लेवल की ओर जाएंगे फिर. अच्छा, यहाँ पर जो मैंने स्प्लिटिंग दिखाई, देखिए पहले तो हमने ये देखा कि जो जो टर्म्स हैं वो कैसे जनरेट होती है, जो जो टर्म्स हैं वो कैसे जनरेट होती हैं. टर्म्स जनरेट होती हैं जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, एटम के अंदर जनरेट होती है, और फिर जब उस पर लिगेंड अटैक करता है तो फिर वो फर्दर कुछ टर्म्स में स्प्लिट होता है, और वो टर्म्स मोलिकुलर टर्म्स या मोलिकुलर टर्म्स कहलाती है. और बस अगर हमें मोलिकुलर टर्म्स मिल गई तो बस समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आधा हो गया, क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट भी मिल चुकी है, एक्साइटेड स्टेट भी मिल चुकी है, हम ट्रांजिशंस आसानी से पढ़ सकते हैं. तो जैसे यहां पर आप ये देख सकते हैं, फिर हमने देखा कि कैसे हम डी जो जो स्प्लिटिंग है, एक्चुअली जो मैं आज आपको बता रही हूँ स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक टर्म्स बता रही हूँ, कि जो एटॉमिक टर्म्स हैं वो कैसे स्प्लिट होती हैं डिफरेंट मोलिकुलर टर्म्स में. देखिए अगेन मैंने यहां पर आपको दिखाया, जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ये सब लिखा हुआ है. देखिए एसिमेट्रिकली फील्ड है, ये सिमेट्रिकल है, तो यानी टी टू जी ये एसिमेट्रिकली फील्ड, तो स्टेट क्या है टी टू जी. और अगर ये एसिमेट्रिकली फील्ड है ईजी, तो ये स्टेट क्या है ई. और इसी का टेट्राहेड्रा दिखाया है, देखिए अपोजिट है, ई ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पर टी टू जो है वो एक्साइटेड स्टेट है. तो ये स्प्लिटिंग अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हम जिस्ट भी एक देखेंगे. आपने देखा कि डी वन और डी सिक्स एक सी स्प्लिटिंग आई थी इनकी, देखा था अगर आपने, दोनों में टी टू जी नीचे था. और अगर आप देखेंगे डी फोर एंड डी नाइन, इन दोनों की स्प्लिटिंग बिल्कुल एक सी आएगी. तो इसका मतलब एक जिस्ट भी निकलेगा हमारा कि डी एन एंड डी एन प्लस फाइव
इनकी स्प्लिटिंग एक सी होती है अगर मैं केवल ऑक्टाहीड्रा की बात करूं, ये अगर ऑक्टाहीड्रा है ठीक है, और एक जिस्ट आपने और देखा था डी वन ऑक्टाहीड्रा और डी नाइन ऑक्टाहीड्रा, ये कैसे थे एक दूसरे के, ये कैसे थे एक दूसरे, अपोजिट थे यानी इनवर्स थे, यानी डी एन एंड डी टेन माइनस एन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि डी वन ऑक्टाहीड्रा एंड डी वन टेट्राहीड्रा तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ठीक है। तो जब ये इनवर्स होते हैं तो इसका मतलब डी एन एंड डी एन प्लस फाइव ऑक्टाहीड्रा एंड टेट्राहीड्रा ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, क्योंकि डी एन और डी एन प्लस वन ऑक्टाहीड्रा एक दूसरे के जैसे होते हैं। तो ये जिस्ट हमें मिला है केवल डी कन्फिग्रेशन से, आपको एक जिस्ट मिला है कि अगर डी एन कन्फिग्रेशन लें या डी एन प्लस फाइव लें उनकी स्प्लिटिंग पैटर्न एक सी होगी। अगर किसी भी कन्फिग्रेशन को आगे जाके भी देखेंगे या फिर डी एन हो डी टेन माइनस एन हो तो वो एक दूसरे की स्प्लिटिंग क्या होगी, इनवर्स होगी। और अगर हम डी एन ऑक्टाहीड्रा की बात कर रहे हैं, डी एन प्लस फाइव टेट्राहीड्रा की बात कर रहे हैं तो उनकी स्प्लिटिंग क्या होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे के। तो इससे हमें क्या होगा, जब हमें जिस्ट पता लगेगा तो हम एक ही डायग्राम में ऑर्गल डायग्राम बना पाएंगे, ये भी आप देखेंगे ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूं, देखिए अब आपको काफी आइडिया लग चुका है कि अब ने चार कन्फिग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब हम चार कन्फिग्रेशन पढ़ चुके हैं तो उनके हम और जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो हम एक साथ दिखा भी सकते हैं। देखिए उनकी स्प्लिटिंग एक साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, और जी हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, और जी हम वहां पर यूज नहीं करेंगे जहां पर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर मैं स्प्लिटिंग आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये मैं ऐसा बताऊं, ये देखिए स्प्लिटिंग। तो अगर मैं यहां पर कहूं एनडी है ठीक है, एनडी एनडी या तो किस में टूटेगा, या तो एनडी स्प्लिट होगा एन टी टू में और एन ई में ठीक है। इस ई को मैं पीछे ले जाऊं बैकवर्ड डायरेक्शन, ये एन ई एंड ये ऊपर ले जाऊं एन टी टू, तो दो ही तरीके की स्प्लिटिंग पॉसिबल है एनडी में, या तो टी टू नीचे होगा या ई नीचे होगा ठीक है। तो अब ये जो टी टू है वो किस में नीचे होगा, डी वन में नीचे होगा, डी वन में नीचे होगा तो डी सिक्स में भी होगा, ये क्या है ऑक्टाहीड्रा ठीक है। तो डी वन और डी सिक्स एक से होते हैं क्योंकि डी एन एंड डी एन प्लस फाइव एक से होते हैं। इसका मतलब ये जो दो बचे हुए कन्फिग्रेशन है डी फोर एंड डी सिक्स, उनके केस में ऐसा होता होगा कि वहां पर जो ई है वो नीचे होगा और टी टू ऊपर होगा। अब ये देखिए ये यानी इनके ऑक्टाहीड्रा अगर ऐसे हैं, इनके ऑक्टाहीड्रा अगर ऐसे हैं तो इनके टेट्राहीड्रा कैसे होंगे, जस्ट इसके अपोजिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा D4 एंड D6 टेट्राहीड्रा ठीक है, और यहां पर D1 एंड D6 टेट्राहीड्रा। ये देखिए चार हमने एक ही में हमने दिखा दिया स्प्लिटिंग कैसे होती है। अगर मैं डी वन और डी सिक्स ऑक्टाहीड्रा की बात करूं तो वहां पर टी टू नीचे होता है और ई जी ऊपर होता है। अगर मैं डी फोर और डी सिक्स की बात करूं तो ई नीचे होता है टी टू ऊपर होता है ठीक है। डी फोर डी सिक्स ऑक्टाहीड्रा का जस्ट अपोजिट कौन होगा, टेट्राहीड्रा होगा। तो यहाँ टेट्राहीड्रा आ गया, अगर डी फोर डी सिक्स ऑक्टाहीड्रा में ई नीचे है तो टेट्राहीड्रा में टी टू नीचे होगा। तो ये चार कन्फिग्रेशन ऐसे हैं जिनमें स्प्लिटिंग ऐसे होगी डी की, और ये चार कन्फिग्रेशन ऐसे हैं जिनमें स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी।